हाय दोस्तों, मैं मेरी यूट्यूब चैनल अल्फिस गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जट्रोफा के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, आप जिस कटे हुए पौधे को देख रहे हो वो जट्रोफा के पौधे हैं। मैं साल में एक बार मई महीने में इस जट्रोफा के पौधे को इसी तरह से इसकी कटाई कर देता हूँ। इसी से पौधे की हाइट मेंटेन रहती है और कटाई के बाद जो नई डाली आती है इसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत से फूल आते रहते हैं। और दोस्तों, इसके फूल जो है वो पूरे साल आते रहते हैं। इसका कोई प्रॉपर सीजन होता है नहीं, ये सर्दी बारिश या गर्मी में सदाबहार की तरह इनके फूल आते ही रहते हैं और दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। और दोस्तों, कटाई के बाद से ये अब पहले फूल आए हैं, अभी तो पूरा फूल से भर जाएंगे इसी तरह से दोस्तों। और दोस्तों, 2 महीने हो चुके हैं और आप देख सकते हो नई डालियों के ऊपर काफ़ी ब्यूटीफुल फूल दिख रहे हैं। और आप देख ही सकते हो वीडियो में काफ़ी नाइस दिख रहे हैं और जैसे फूलों का गुच्छा हो इसी तरह से दिख रहे हैं। और दोस्तों, जट्रोफा के पौधे को आप बारिश के सीजन में उसकी कटिंग लगाकर भी पौधे को तैयार कर सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, गार्डन से रिलेटेड कोई भी कीटनाशक दवाई आप महीने में एक बार जरूर से स्प्रे कर दे। और खाद आप कोई भी दे सकते हो, कॉम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट या डाई या NPK कोई भी दे सकते हो, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों, जट्रोफा के पौधे ज़रूरत से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और दोस्तों आप इसकी कटाई नहीं करते तो काफ़ी गंदे दिखते हैं दोस्तों इसी तरह से, और दिखने में भी काफ़ी अच्छे नहीं दिखते, इसलिए इसकी रेगुलर कटाई कर दीजिए। और दोस्तों, मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो से आपको पता चल ही चुका होगा कि रेगुलर कटाई से ही पौधा अच्छा और मेंटेन रहता है। और हाँ दोस्तों, मैं साल में एक बार कटाई करता हूँ, लेकिन दोस्तों आप चाहते हो तो 2 बार भी इसकी कटाई कर सकते हो। ये आपके ऊपर ही होगा कि आपको इनकी हाइट कितनी अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़ा अच्छा लगता है या मीडियम साइज़, इसी के हिसाब से आप कटाई कर दीजिए। और दोस्तों, आपके पास गमले में पौधा हो तो दोस्तों हर महीने में एक बार खाद डाल दीजिए और महीने में एक बार दवाई स्प्रे कर दीजिए। और दोस्तों, पानी ज़रूरत के हिसाब से ही दे, यानी मिट्टी सूखने के बाद। तो चले दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि गार्डन से रिलेटेड वीडियो आप सारे दोस्तों के साथ शेयर करूँ। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटिक के बाय बाय।